हाय गाइस, अंडा पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू रिपब्लिक की तरफ से आने वाली एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स द राउसर बड्स की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसकी बॉक्स पर नजर डालें तो ये सामने से कुछ ऐसी दिखती है। साइड में आपको इसमें टच कंट्रोल्स, LED ग्लोबर्स, कॉम्पैक्ट केस, एंगुलर टिप्स आदि फीचर्स देखने मिल जाएंगे। पीछे में भी वही थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस दी गई है। इसकी बॉक्स की प्राइसिंग अराउंड 6,000 रुपये है, बट आप इसे 3,500 तक में इजीली परचेस कर पाएंगे। अब चलिए इसकी बॉक्स ओपन कर देते हैं। बॉक्स की डिज़ाइन बढ़िया दी गई है एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। ऊपर में सबसे पहले आपको ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स मिल जाएंगे, जिसे हम एक बार साइड में रख देंगे। बॉक्स के अंदर देखें तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलती है एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू रीड इट प्रॉपरली बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर, क्योंकि इसमें इसकी जो कंट्रोल्स दी गई है उसके बारे में काफ़ी बढ़िया सी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। फिर अंदर में और एक बॉक्स है जिसमें आपको वो एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने मिल जाएंगे। अब ईयरफोन्स की तरफ आएं एंड इनिशियल इंप्रेशंस की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड डिज़ाइन के साथ आती है, विच इज़ नाइस बिकॉज इसे ये पॉकेट में विदाउट मच हैसल फिट हो जाती है। हाँ, बस एक चीज़ ये है कि ये काफ़ी ग्लॉसी है तो फिंगरप्रिंट्स थोड़े जल्दी कैच कर लेती है अनफॉर्चुनेटली। इसकी केस की बात करें तो यहाँ सामने में एक बटन दी गई है जिसको प्रेस करने से इसकी लिड अपने आप स्प्रिंग से उठ जाती है, तो अनलाइक बाकी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स इसमें कोई मैग्नेट्स नहीं दी गई है। अब इसकी ईयरबड्स को केस से रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कोई मैग्नेट्स नहीं देखने मिलते हैं हमें। आई विश कि बोथ लिड और केस में जहाँ हम ईयरबड्स को प्लेस करते हैं वह मैग्नेट्स दिए गए होते, क्योंकि वो मच मोर कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में। ईयरबड्स की तरफ आए तो ये एक एंगुलर डिज़ाइन के साथ आती है एंड ये अभी रेड एंड वाइट इसलिए ग्लो कर रही है बिकॉज ये मैंने अभी तक अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करी है। ईयरबड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें एक ईयरफिन भी दी गई है ताकि आपके कानों से ये जल्दी से गिरे नहीं। कंफर्ट की बात करें तो मेरे को इसे कंफर्ट अच्छी लगी। ईयरफोन्स काफ़ी लाइट वेट हैं एंड आपके कानों पर बल्की नहीं लगते हैं, तो आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशंस तक विदाउट एनी प्रॉब्लम पहन सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। ऑल्दो इसकी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दी गई है, ये कानों में इतनी बढ़िया से सेट नहीं होती है। वैसे फिटिंग कुछ ख़राब नहीं है, बट आई विश कि ईयरफोन की डिज़ाइन थोड़ी सी और फ्लेक्सिबल दी गई होती। ऑल्सो ईयरबड्स को वापस रखने के समय आपको इसे ऐसा उल्टा करके रखना पड़ेगा, विच नीड्स अ बिट ऑफ गेटिंग यूज टू। बॉक्स में रखने के बाद ईयरबड्स ऑरेंज ग्लो करती है एंड ऐसे ब्रीदिंग मोड में चली जाती है, मने जलबंद जलबंद होने लगती है, विच शोज दैट द ईयरबड्स आर चार्जिंग। अब दोनों ईयरबड्स को फिर से एक बार केस से निकालें तो ये अपने आप एक दूसरे से फिर से पेयर हो जाएंगे। पेयरिंग के समय कभी कभी एक साइड दूसरे साइड से कनेक्ट नहीं होती है, बट वो साइड वाले ईयरबड को जो कनेक्ट नहीं हुई है उसको अपने केस में एक बार फिर से रख देंगे और फिर से निकाल देंगे तो ये कनेक्ट हो जाती है। फ़ोन से पेयर होने के बाद आप इसकी म्यूजिक ये ईयरबड्स के टच कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो ट्रिगर गूगल असिस्टेंट विच वर्क्स फाइन। आप इस इंस्ट्रक्शन बुकलेट को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। टच कंट्रोल्स 9 to 10 times ठीक काम करती है एंड इट शुडेंट बी अ प्रॉब्लम यूजिंग इट। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी केस में एक 650 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इस ईयरफोन को लगभग 6 to 7 times फुली चार्ज कर देगी, सो बैटरी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है एंड कैजुअल यूजेज में भी आराम से 1 to 2 weeks निकल जाती है ऑन अ सिंगल चार्ज। इसमें एक माइक भी दी गई है टू टेक एन एंड कॉल्स। माइक क्वालिटी वाज नाइस एंड सामने वाले साइड से मेरे को कोई भी तरह की कंप्लेंट्स नहीं आई। अब इस ईयरफोन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है साउंड क्वालिटी, उसकी बात कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी की बात लाउडनेस से स्टार्ट करें तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी और लाउड हो सकती थी। वैसे 70 to 80% वॉल्यूम तक काफ़ी लाउड हो जाती है एंड वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट सोचा कि जस्ट एक मेंशन कर दूं। अब इसकी बेस की बात करें तो इसकी बेस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब आप एकदम वो एक्स्ट्रा बूमी बेस खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगी, बट काफ़ी टाइट थंपिंग एडिक्वेट है, मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगी। मिड रेंज एंड ट्रेबल अच्छी दी गई है एंड साउंड मफल नहीं लगती है एंड जो 3,500 की प्राइसिंग है उसके हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल इसकी साउंड अच्छी दी गई है एंड आप इसे काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। अब इसकी थोड़ी सी कॉन्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले से ही, इसमें मैग्नेटिक लॉक्स नहीं दिए गए हैं। मैग्नेट्स ये स्प्रिंग एंड बटन लॉक से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जनरली,
वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है, बट इसकी चार्जिंग केस की ये लिड की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ऑल्दो इस ईयरबड्स की डिजाइन काफी सोच समझ कर बनाई गई है एंड काफी अच्छी है, फिर भी इसकी फिटिंग मेरे को कहीं ना कहीं इतनी पसंद नहीं आई। बाकी इसमें मेरे को कोई भी तरह की और मेजर कॉन्स नहीं देखने मिले। रेटिंग्स दें तो फॉर बिल्ड क्वालिटी आई विल गिव इट 7.5 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज इसमें मैग्नेट्स नहीं दिए गए हैं एंड इसकी लिड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वरना ईयरबड्स की बिल्ड काफी हाई क्वालिटी की दी गई है। कंफर्ट की रेटिंग दे तो आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10, 1 पॉइंट काट रहा हूँ बिकॉज इसकी फिटिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। लास्टली फॉर साउंड क्वालिटी आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10 अगेन। कंक्लूजन की बात करें तो डिस्पाइट द फ्यू कॉन्स ये काफी अच्छी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है, इसकी कंफर्ट बढ़िया दी गई है, ईयरबड्स भी काफी वेल बिल्ट है, इसमें जो एलईडी इंडिकेटर्स जैसे फंक्शन करते हैं ना वो सब काफी प्रीमियम लगते हैं एंड इसकी साउंड क्वालिटी फॉर द प्राइस भी काफी सही दी गई है। ₹3,500 की ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की कैटेगरी में ये ईयरफोन्स आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है एंड इसकी ओवरऑल अगर रेटिंग दूं मैं तो आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट को 8 से ऊपर की रेटिंग दे रहा हूँ, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक टेक एंड फैशन यूट्यूबर हूँ जो ऐसे ही गैजेट्स, शूज, वॉचेस पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो यार वीडियो या रिव्यूज पसंद आती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैपिंग पिम्पल्स।